इस सेशन के अंदर हम लोग विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें विंडोज की बूटेबल डिस्क की जरूरत होती है, और उस बूटेबल डिस्क को हम लोग सीडी ड्राइव पे लोड करते हैं और सिस्टम के बायोस में जाते हैं। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और मुख्तलिफ कंप्यूटर की बायोस में जाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो तो हम लोग डायल का बटन प्रेस करते हैं या फिर F2 का बटन प्रेस करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट कंप्यूटर की बायोस में जाने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है। आमतौर पे हर बायोस के अंदर बूटिंग डिवाइस का एक ऑप्शन या मेन्यू अवेलेबल होता है। उस बूट के ऑप्शन में जाने के बाद हम फर्स्ट बूट डिवाइस में सीडी रोम डिफाइन करते हैं, और सीडी रोम डिफाइन करने के बाद बायोस को सेव करते हैं और एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। और अब जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो इंस्टॉलेशन की जो स्क्रीन हमारे सामने आती है वहां से मैं आपको डेमो देना शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के बाद फर्स्ट डिवाइस के अंदर प्रेस एनी की टू बूट सीडी रोम की स्क्रीन हमारे पास आती है, और यहां पर हम कोई भी की प्रेस करते हैं। किसी भी की को प्रेस करने के बाद हमारे पास विंडोज की जो बूटेबल फाइल से वो सीडी से रीड करना शुरू कर देता है, और हमारा सिस्टम सीडी से कुछ फाइल्स को रीड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इंस्टॉलेशन के इस कंप्लीट फेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक आम तौर पर विंडोज की इंस्टॉलेशन यानी एक्सपी की इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग एक ऐसी हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं जो कि हार्ड ड्राइव बिल्कुल ही ब्लैंक है, यानी जब आप मार्केट से एक ब्लैंक हार्ड डिस्क बाय करते हैं तो वो बिल्कुल ही जीरो होती है, उसमें किसी किस्म के पार्टीशंस नहीं बने हुए होते, ना ही उसके कोई स्पेस ऑक्यूपाइड होते हैं। तो हम अपनी मर्जी के पार्टीशंस क्रिएट करेंगे और इंस्टॉलेशन उसमें इंस्टॉल करेंगे। जब हमारे सामने विंडोज की बूटेबल फाइल्स रीड हो जाएंगी, बूट हो जाएंगी, देन उसके बाद हमारे पास एक इंट्रो स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन को अगर हम गौर से देखें तो इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़कर हम जवाब दे सकते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमें ये कहता है वेलकम टू सेटअप, और इसमें तीन डिफरेंट ऑप्शन हमें कहता है। पहला ऑप्शन हमें कहता है टू सेटअप ऑफ विंडोज एक्सपी नाउ प्रेस एंटर, अगर आप विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करें। टू रिपेयर अ विंडोज एक्सपी इंस्टॉलेशन यूजिंग रिकवरी कंसोल प्रेस आर, अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं विंडोज एक्सपी को तो आप आर प्रेस कर सकते हैं। रिपेयर का ऑप्शन आमतौर पर वहां पर यूज होता है जहां पर हमारी विंडोज एक्सपी किसी भी वजह से करप्ट हो जाती है। अक्सर होता यह है कि जब लाइट के फ्लक्चुएशन होते हैं या सिस्टम किसी वजह से बार बार ऑन ऑफ होता है या किसी मेन फाइल की डिलीट हो जाने की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है, और जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें वो एरर देता है कि सिस्टम फाइल हैज बीन करप्ट, प्लीज रिपेयर, और वहां पर हम रिपेयर के ऑप्शन को यूज करें। जबकि तीसरा ऑप्शन हमें कहता है टू क्विक सेटअप विदाउट इंस्टॉलेशन एक्सपी प्रेस F3, अगर हमें विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन नहीं करनी है तो हम F3 करके बाहर जा सकते हैं। इस पोजीशन पे हमें सिंपल विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन करनी है तो हम एंटर करेंगे, और अगर हम नीचे ऑप्शन को गौर से देखें तो हमें इसकी शॉर्टकट्स बताता है, कहता है कि आप एंटर प्रेस करें कंटिन्यू के लिए, रिपेयर करें आर के लिए, और अगर आप क्विक करना चाहते हैं तो F3 बटन प्रेस करें। हम यहां पर इंटर बटन प्रेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
सेकेंड स्क्रीन पर हमें माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस एग्रीमेंट बता रहा है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो एक्सपी के इंस्टॉलेशन को स्टॉप कर देगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मस्ट है कि हम इस स्क्रीन को F8 करके एक्सेप्ट करें। अगर हम इस पूरे एग्रीमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो पेज डाउन के बटन को प्रेस करके हम इस पूरे एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। फाइनली फिल वक्त मैं इसको F8 कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। इस वक्त मेरी हार्ड ड्राइव में टोटल जो स्पेस अवेलेबल है वो 65,531 MB यानी तकरीबन जो है वो 6 GB मेरी हार्ड डिस्क में जो है स्पेस ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो मैं उस स्पेस को यूज करते हुए इसमें पार्टीशन क्रिएट करना चाहती हूँ। पार्टीशन बेसिकली आमतौर पर कम से कम दो क्रिएट किए जाते हैं। पहला पार्टीशन सी पार्टीशन होता है जो कि प्राइमरी पार्टीशन कहलाता है, और इस प्राइमरी पार्टीशन के अंदर रिकमेंड ये किया जाता है कि उसमें आप कोई भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैसे कि हम इस वक्त विंडोज XP इंस्टॉल करने चाहेंगे। जबकि दूसरा जो पार्टीशन बनेगा या उसका नाम जो है वो D होगा, और अगर एक से ज्यादा पार्टीशन बनेंगे तो उनके लेटर्स जो है वो DEF इस तरह से चले जाएंगे। इन तमाम पार्टीशन को यानी प्राइमरी पार्टीशन के अलावा, सी पार्टीशन के अलावा जितने दूसरे पार्टीशन क्रिएट होंगे उन तमाम पार्टीशन को हम एक्सटेंडेड पार्टीशन कहते हैं। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आमतौर पर हम लोग अपनी फाइल्स का बैकअप, अपने डाटा का बैकअप वगैरह मेंटेन करते हैं। प्राइमरी पार्टीशन जो हमारा सी पार्टीशन है उसमें आमतौर पर इंस्टॉलेशन ड्राइवर्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह लोड किए जाते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्टीशन के अंदर हम लोग आमतौर पर बैकअप फाइल्स मेंटेन करते हैं। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए अगेन हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर हम इन स्टेप्स को गौर से रीड करें तो हमें कहता है To set up a Windows XP on the selected item, press enter. अगर आप इस जगह पर Windows XP की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करें। फिर कहता है To create a partition in the unpartitioned space, press C. अगर यहाँ पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं जो कि स्पेस अवेलेबल है तो आप C बटन प्रेस करें, और अगर आप पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट द सेलेक्टेड पार्टीशन प्रेस D, और अगर आप पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो E बटन प्रेस करें। और अगर हम नीचे इसकी शॉर्टकट्स को पढ़ें तो हमें पता है कि एंटर बटन प्रेस करने से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सी बटन प्रेस करने से क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन, जबकि F3 से क्विट कर सकते हैं। इस वक्त चूंकि मेरी हार्ड ड्राइव में कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं है तो हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और उसके लिए हम लोग सी बटन को यूज करेंगे। कहता है कि मेरी हार्ड ड्राइव में जो अवेलेबल है वो 65,523 MB अवेलेबल है, और मैं इसमें से पहला जो पार्टीशन बनाना चाहता हूँ वो 10,000 MB का बनाना चाहता हूँ जो ऑलमोस्ट Then, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और ये मेरा पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया। उसके बाद मेरे पास अभी भी पार्टीशन में स्पेस अवेलेबल है तो मैं एक और पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अनपार्टीशन स्पेस पे खड़े रहकर मैं सी बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एरिया में से मैं 10,000 MB का एक और पार्टीशन क्रिएट करके 10 GB का नया पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप कंप्लीट पार्टीशन एक और क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सी बटन प्रेस करके एंटर करेंगे तो एक और पार्टीशन आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी हार्ड डिस्क में कुछ स्पेस की जरूरत है इसलिए मैं इन तमाम स्पेस को यूज नहीं करता। तो मैंने दो सिंपल पार्टीशन क्रिएट कर लिए 10 GB के, और पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अब मुझे किस पार्टीशन की इंस्टॉलेशन करनी है उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट फेज स्टार्ट। पार्टीशन का इंस्टॉलेशन करने से पहले सिस्टम कहता है कि उस पार्टीशन को हम फॉर्मेट करें, और हमारे सामने कुछ स्क्रीन्स आ रही है। पहला ऑप्शन हमें कहता है द फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम, NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये क्विकली पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे। जबकि दूसरा तरीकेकार है फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द FAT फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल FAT स्टैंड्स फॉर। फिर तीसरे ऑप्शन के अंदर ये NTFS से फॉर्मेट करेगा बट क्विक नहीं होगा, और चौथे ऑप्शन के अंदर ये FAT में फाइल को फॉर्मेट करेगा, सिस्टम को फॉर्मेट करेगा बट वो क्विक नहीं होगा। आमतौर पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप विंडोज XP की इंस्टॉलेशन करते हैं तो पार्टीशन को फॉर्मेट करें FAT के ऊपर और क्विक के अंदर, लेकिन अगर आप लैपटॉप पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आप अपने पार्टीशन को NTFS के अंदर फॉर्मेट करें और क्विकली आप फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन करें। NTFS फाइल सिस्टम बेसिकली एक ऐसा पार्टीशन सिस्टम होता है कि जिसमें आमतौर पर डेटा की सिक्योरिटी के ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि FAT के अंदर फाइल की सिक्योरिटी सिस्टम से है वो लो लेवल रहते हैं, जिससे पता ही होता है कि हम किसी और के डाटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं और
फाइल की जो अगर फाइल डिलीट हो गई है तो उसको रिकवर भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम फिलहाल पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहे हैं यूजिंग द फैट फाइल एलोकेशन टेबल और क्विक फ्रेम। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें ऑप्शन देता है एंटर, और स्किप करने के लिए हमें ऑप्शन देता है कैंसिल। तो मैं इस वक्त एंटर बटन प्रेस करके फाइल को फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। फॉर्मेट करने से पहले अगेन मुझे तीन ऑप्शंस कहता है कि कंटिन्यू द फॉर्मेट द पार्टीशन प्रेस एंटर। अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं पार्टीशन को तो एंटर करें। टू गो बैक द प्रीवियस स्क्रीन विदाउट हैविंग सेट अप फॉर्मेट दिस पार्टीशन एस्केप प्रेस कर दें, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं अपनी इंस्टॉलेशन को तो F3 प्रेस कर दें। फिर वक्त मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्टीशन को फॉर्मेट करना है और इंस्टॉलेशन को आगे कंटिन्यू करना है। सो मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया। सबसे पहले मेरी सी ड्राइव फॉर्मेट हो रही है। फॉर्मेट से फायदा ये होता है कि उस ड्राइव में जो अनलेबल स्पेसेस थे, अनऑर्डर जो डाटा या रॉ में जो मौजूद थी, उन तमाम को वो ऑर्डर करता है और फिर उसके बाद वो इंस्टॉलेशन करता है। फॉर्मेट करने से हमें इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि हमारी हार्ड ड्राइव की लाइफ जो है वो कितनी सॉलिड है। आमतौर पर अगर हार्ड ड्राइव के अंदर बैड फैक्टर्स होंगे या उसका मीडिया जो है वो वीक होगा तो वो फॉर्मेट करने के अंदर टाइम लगाएगा और हमारी हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत स्लो फॉर्मेट होगी, जिससे हमें अंदाजा हो सकेगा कि हमारी हार्ड ड्राइव की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है या वो किसी भी लेवल पर जाकर या किसी भी दिन जाकर वो डेड हो सकती है, एक्सपायर हो सकती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम लोग आमतौर पर फ्रेश इंस्टॉलेशन जो है न्यू फाइल को बाय करें। इंस्टॉलेशन के दौरान आमतौर पर ये फाइल्स को सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर कॉपी करता है, अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी करता है और फिर उसके बाद ये भी स्टार्ट होगा। आमतौर पर विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन, माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी इंस्टॉलेशन, जैसे हम विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन करते हैं, इससे पहले हम 98 की इंस्टॉलेशन कर रहे थे। अगर आप विंडोज 2000 सर्वर वगैरह की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उन तमाम की इंस्टॉलेशन में माइक्रोसॉफ्ट की आमतौर पर प्रैक्टिस ये रही है कि वो तीन फेसेस के अंदर इंस्टॉलेशन करता है। पहले फेस के अंदर हमारे पास इस तरह से डॉस बेस मोड स्क्रीन आ रही होती है, सिस्टम रीस्टार्ट होता है। उसके बाद GUI बेस ग्राफिक बेस स्क्रीन आ रही होती है और फिर जब तीसरी दफा सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो वो ऑलमोस्ट मशीन रेडी होती है और फिर उस मशीन को हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो चुका होता है। तो इंस्टॉलेशन के फर्स्ट फेज पे उस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारा सिस्टम जो है वो तेजी से इंस्टॉलेशन फाइल को कॉपी कर रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड के ऊपर। अगर हमारे सिस्टम की स्पीड अच्छी होगी तो ये तमाम प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, हार्ड रेट 15 मिनट के अंदर हमारी मशीन जो है कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। और अगर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस लो होगी, यानी इसमें कम रैम लगी होगी, उसका प्रोसेसर जो है वो कम होगा, तो डेफिनेटली इंस्टॉलेशन होने में उसको टाइम भी लगेगा। तो इट्स डिपेंड एवरीथिंग ऑन माई सिस्टम स्पीड। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सिस्टम कॉपी हो जाए और फिर उसके बाद जब वो रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आएगी देन फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। Thank you.
इंस्टॉलेशन का फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट हमारा एंड होने वाला है। फाइल को कॉपी कर लेने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा और इसके लिए हमें कहेगा लाइक राइट बैंक की एक लाइन आ जाएगी और जो है सिस्टम को रीस्टार्ट करने की एक बार होगी। Now, कहता है योर सिस्टम विल रीबूट इन 13 सेकंड। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये खुद रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद अब जब स्क्रीन हमारी ओपन होगी तो उसमें प्रेस एनी की टू बूट सीडी रोम कहेगा। हमें यहाँ पर कोई भी की प्रेस नहीं करनी है क्योंकि ये काम हमें पहली मरतबा करना होता है, यानी जब हम विंडोज एक्सपी की सीडी को लोड करते हैं तो उस जगह पर हम लोग प्रेस एनी की टू बूट सीडी रोम डिफाइन करते हैं। और सेकंड मरतबा जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो वहां पर हमें कोई भी की प्रेस नहीं करनी क्योंकि पहली मरतबा हम ये काम कर चुके हैं। ऐसा ना करने से हमें फायदा ये होता है कि वो दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर लेता है जहां पे उसने उसको ड्रॉप किया था, यानी फाइल कॉपी हो चुकी है और अब वो इंस्टॉलेशन के नेक्स्ट पेज की तरफ जा चुका है। और अगर हम उस जगह पर एंटर कर देंगे तो डेफिनेटली वो दोबारा से पहले वाले स्क्रीन पर चला जाएगा और हमें सारे मेथड्स और ऑप्शन दोबारा से यूज करने पड़ेंगे जो कि पहले ही हमें पहले ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक आपसे दूसरी दफा भी प्रेस यानी कि डूट कॉम सीडी रोम के अंदर ब्रेक हो जाता है या कोई आप उनसे कर देते हैं तो कोई परवाह नहीं है, आप अपने सिस्टम से रीस्टार्ट का बटन प्रेस कर लें ताकि सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए और आप जो है वो अपनी मशीन को दोबारा से रीस्टार्ट करके उसको प्रेस यानी कि डूट कॉम सीडी रोम में तो डीपी प्रेस ना करें और आगे बढ़ जाए। इंस्टॉलेशन के सेकंड फेज की तरफ हम इसको बात चुके हैं और ये अप्रोक्सीमेटली हमें 39 मिनट्स का था। ये एक टेंटेटिव टाइम होता है, ये फिक्स नहीं है। मैं पहले ही जैसे बता चुका हूँ कि डिपेंड ऑन सिस्टम स्पीड, अगर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अच्छी होगी तो ये सारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और अगर सिस्टम की स्पीड जो है वो अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली सारे काम करने में टाइम लगेगा। लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर को इंस्टॉल होने में कितनी देर लगती है।
नाउ इंस्टॉलेशन के फर्स्ट फेज पे हमें सबसे पहले रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग पूछता है। इस रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग के अंदर हम लोग आमतौर पर ओके के ऑप्शंस को यूज करते हैं बिकॉज के दोनों ही ऑप्शंस हमारे ठीक होते हैं। देन उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंस्टॉलेशन, और यहां पर हमें सिस्टम का नाम और ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछता है, तो मैं अपने सिस्टम का नाम लाइक अपने नाम के हिसाब से क्रिएट कर देता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी ही डिफाइन कर देता हूँ। देन इंटर करते हैं। थर्ड स्क्रीन हमें बेसिकली सिस्टम में विंडो एक्सपी की सीडी की मांगता है, तो सीडी की आमतौर पर विंडो एक्सपी की सीडी के कवर पेज पे लिखी भी होती है, आप वहां से इसको देखकर कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको वहां से देखकर कॉपी कर लेता हूँ। सीडी की कॉपी करने के बाद हम एंटर करते हैं और पासवर्ड ये है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, जो कि फिलहाल मैं डिफाइन नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपल कंप्यूटर नेम देकर विदाउट पासवर्ड एंटर बटन प्रेस करता हूं ताकि मैं नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकूं। देन उसके बाद करंट डेट एंड टाइम है और रीजन सेटिंग्स है। रीजन सेटिंग्स के अंदर हम लोग आमतौर पर पाकिस्तान जो है वो अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास आमतौर पर इस्लामाबाद का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम लोग इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन का जो नेक्स्ट फेज है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद हमारे लाइन कार्ड को कॉन्फ़िगर करने की बात करता है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इससे फायदा ही होगा कि वो हमारे लाइन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह खुद से सिलेक्ट करके कर लेगा।
विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, और इस पूरी इंस्टॉलेशन के दरमियान आपने देखा कि ये सारा काम ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म करता रहा। हमें बहुत ही कम चीजें उसे डिफाइन करनी पड़ी। सिर्फ पहली स्क्रीन जब वो पहली दफा इंस्टॉलेशन कर रहा था तो उस जगह पर हमें उसके पार्टीशन क्रिएट करने पड़े, किस पार्टीशन पे हमें इंस्टॉलेशन करनी है वो हमें डिफाइन करना पड़ा, और कुछ बेसिक चीजें जो उसे हमें डिफाइन करनी पड़ी वो हमने डिफाइन की। जबकि सेकंड मरतबा जब वो रीस्टार्ट हुआ तो उसने दो तीन छोटी छोटी चीजों के अलावा उसने हमसे कोई खास बात नहीं पूछी। अगर आप पूरी इंस्टॉलेशन को गौर से देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलेशन के दरमियान तमाम टिप्स और टेक्निक्स और तमाम ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछता रहता है, और उसके सॉल्यूशंस यानी आंसर्स और रिकमेंडेड जो ऑप्शंस हैं वो हमें बताता रहता है। तो अगर हम इंस्टॉलेशन को गौर से देखें तो वहीं पर ही हमें बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सेकेंड स्क्रीन हमारी रीस्टार्ट हो रही है, और अब की बार जब स्क्रीन रीस्टार्ट होगी तो अगेन प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी रोम होगा। यहाँ हमें कोई भी की प्रेस नहीं करनी है और हमारा सिस्टम विदाउट सीडी रोम सीडी डिस्क जो है वो स्टार्ट होगा। ये ऑलमोस्ट फाइनल स्क्रीन होगी जहां पर स्क्रीन फाइनलाइज ऑप्शन से रिलेट कुछ बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछेगी जिनको हमें सॉल्व करना होगा, और हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन विंडोज एक्सपी की कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ रेडी होगी। तो हम देखते हैं कि ये हमसे क्या चीजें पूछता है और हमें उसको क्या जवाब देने हैं। नाउ सबसे पहली स्क्रीन के अंदर हमें डिस्प्ले सेटिंग पूछता है, तो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर हम अपनी स्क्रीन को ओके करेंगे ताकि जो बेस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो इसको फिक्स हो जाए। हम ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे माउस इस वक्त प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं है और मैं अपना काम जो है वो कीबोर्ड से परफॉर्म कर रहा हूँ। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। नाउ विंडोज स्क्रीन पर सबसे पहले हमें वेलकम कहता है और कहता है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स सेटिंग अप फॉर कंप्यूटर, और हम इस पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें हेल्प प्रोटेक्ट के ऑप्शन देगा जिसमें हम इस वक्त नॉट राइट नाउ कहेंगे, अदरवाइज वो हमें बहुत सारे ऑप्शन परचेज करने के लिए कहेगा, तो हम इस वक्त इसको Not right now करके नेक्स्ट कर देते हैं। Uh,
इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए कहता है। इस वक्त हमारे कंप्यूटर के साथ ना कोई मोडेम और ना कोई डिवाइस कनेक्ट है, इसलिए हम इस ऑप्शन को फिर वक्त स्किप करते हैं और स्किप के बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर ये लास्ट हमें कहता है आर यू रेडी टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट, तो हम इसको फिल वक्त नो करते हैं नो, और फाइनली हम इसको नेक्स्ट करते हैं। एंड देन यूजर नेम डिफाइन करना है, लाइक इस कंप्यूटर का यूजर कौन होगा, तो मैंने यूजर पे अपना नाम डिफाइन किया। यूजर नेम ऑलरेडी डिफाइन है तो मैं इस पर आंसर दे देता हूँ। एंड देन ऑलमोस्ट हमारी तमाम कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई है और हमें कहता है कॉन्फिगरेशन यू आर रेडी टू गो, और हम फाइनली फिनिश करते हैं। इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी जो है वो कम्प्लीट इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब हमारे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन आएगी। इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम तमाम अपने ऑप्शंस को यूज करते हुए काम कर सकते हैं। हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन कंप्लीट आ चुकी है हमारे पास और हमारा सिस्टम कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। Now the system is ready for use and thank you for watching. इस पूरे ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी की इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है, और इंतहाई आराम से और सुकून से हमने समझने की कोशिश की किस तरह से इंस्टॉलेशन की जाती है, ताकि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर समझ में आ सके। नेक्स्ट फेज के अंदर मैं आपको सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करने की टेक्निक्स और उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की टेक्निक्स वगैरह
और एंटीवायरस इंस्टॉल करके उसको किस तरह से हम अपनी मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम ऑप्शंस के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।